ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରଭାସ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଦିନେଶ ଶର୍ମା ଓ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ଝାଡୁ ମାରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ माननीय ग्राम्य उन्नयन और खाउटी कल्याण राज्य मंत्री स्वाधी निरंजन ज्योति जोगदेवार मात्र कौन कारणवशत से आसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्देश में प्रत वर्ष एभली कार्यक्रम कर प्रकाश कर सफेई कार्यक्रम पर सफेई कर्मचारी मानू संवर्धना दि जाता। प्रभास कुमार पाणिग्रही भारतीय जनता पार्टी पूर्वतन जिला सभापति बलांगीर जिला। स्वच्छ भारत मिशन तो मोदीजी को डाकरा थिला, आगुरी महात्मा गांधी भी स्वच्छ भारत कथा कहते भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता स्वच्छता उपरे समान सचेतनता ताकर अच्छे से आम आज हस्पिटाल प्रेमिसेस के सफा करवार लगे आम गोटे मिशन रखीलु। आज मंत्रीजी भी आसवा था कि कौन कार्यक्रम पला से पलाले कि मंत्री नहीं हेले भी आम कार्यकर्ता मैंने देवदुर्लभ कार्यकर्ता से आसिक सफेई कार्यक्रम करीम भोई मेडिकल कलेज के आउ स्वच्छ हाँ से आम आज गोटे मिशन आम आरंभ करम किसी आज आम ये स्वच्छता अभियान अच्छे तपर जेन मैंने दीर्घ दिन धरिक आम हस्पिटाल प्रेमिसेस के सफा कर सम्मानित भी करार अच्छे से सागे आज आम किसी समय भी बितामु से एक्चुअली समाज से गोटे प्रवर्तन रहा एक्चुअली मेसेज देसन से आज संबर्धना देवार अच्छे। अनंत कुमार दास भारतीय जनता पार्टी राज्य कार्यकारिणी सदस्य। जेनता आम समस्ते जाणीन जो भारतीय जनता पार्टी तरफ अनेक समय स्वच्छ भारत कार्यक्रम निजाए अनेक जगार निजाए तो आज भारतीय जनता पार्टी तरफ ये हस्पिटाल भितर हेडक्वार्टर हस्पिटाल भितर स्वच्छ भारत कार्यक्रम निजाई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता स्वच्छता सेवा और स्वच्छतार संदेश देवाई आज समस्ते स्वच्छता कार्यक्रम नहीं इतार पर आम जो मैंने स्वच्छता कार्यक्रम जो मैंने खास करी जो मैंने आमर झाड़ूदार जो मैंने मैंने स्वच्छता को मेंटेन कर हॉस्पिटल भीतर से आज सम्मानित करवार लगे गोटे कार्यक्रम भी आम रखा जा। बलांगीर गुप्तेश्वर पृष्टि रिपोर्ट विश्व विजयी न्यूज ओडिशा।